हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है भी आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में फैक्ट्री में। तो भी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियोस हमारी लगातार जीके पर बन रही हैं, ठीक है। और कल जो वीडियो हमने घेरी थी, कल आपने देखी थी, वो आयोग से संबंधित वीडियो थी। और मैं उन्हीं चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है, और खासकर आने वाले एग्जाम जैसे कि दिल्ली पुलिस, NTPC, ठीक है, और रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, और जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं और उत्तर प्रदेश जो भी एग्जाम कराए। तो भी आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज का टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है, तो मैं राज्य के बारे में आपको पढ़ा रहा था। राज्य के बारे में हमने अभी क्या क्या डिस्कस कर लिया संविधान में, अब तक राज्य के हमने हाई कोर्ट डिस्कस कर लिए, अब पढ़ेंगे हम राज्य की, ठीक है, कार्यपालिका। आप राज्य की कार्यपालिका के मतलब समझ सकते हो कि एक राज्य में शासन किस प्रकार से होता है। मैंने आपको राज्यपाल पढ़ाया था, क्लियर है भी, राज्यपाल के बारे में आपको पूरा पढ़ाया था, ठीक है। राज्यपाल जो होता है वह राज्य में उस दर्जे के पद पर होता है जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति होता है। तो आज बात करने वाला हूं मैं आपसे राज्य की विधानसभा के बारे में और सीएम के बारे में, राज्य की विधानसभा के बारे में और सीएम के बारे में। जी हाँ, आज जो आपकी हेडिंग होगी वो होगी सीएम और विधानसभा, ठीक है भाई। तो भी करते हैं फिर वीडियो की शुरुआत, ठीक है। नोट्स तैयार कर लो, जो भी आपके नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है, मैंने भी ले लिए जो भी मुझको लिखने हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, देखो जैसे भी आप सीएम कौन होता है, पहले सीएम की बात कर लूं। देखो आपने देखा होगा चुनाव होता है राज्य में, ठीक है, जो MLAs वगैरह के चुनाव होते हैं, ठीक है, विधानसभा के चुनाव बोलते हैं, उनसे चुना जाता है एक व्यक्ति, जो भी बहुमत दल का नेता होता है वह सीएम होता है, ठीक है। तो भाई राज्य में आप भी देखते हो कि राज्य में जो संवैधानिक पद होता है, जो राज्य में संवैधानिक पद पर व्यक्ति आसीन होता है, जो संवैधानिक प्रमुख होता है, उसे बोलते हैं राज्यपाल। लेकिन जो वास्तविक शक्ति धारक व्यक्ति होता है, जिसमें वास्तविक शक्ति निहित होती है, उसे बोलते हैं राज्य का सीएम, ठीक है भी, उसे बोलते हैं राज्य का सीएम, यानी मुख्यमंत्री। देखो मुख्यमंत्री पद के लिए कोई भी विशेष योग्यता निश्चित नहीं है, बशर्ते कि वह विधानसभा के सदस्य बनने लायक होना चाहिए, यानी विधानसभा के सदस्य बनने लायक होना चाहिए, केवल यही योग्यता, बाकी कुछ योग्यता नहीं है। और बाकी जो आएगी वो मैं आपको धीरे धीरे दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं पहले सीएम की बात कर लेता हूं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को उसके कार्य संपादन के लिए सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। जी मैं बताता हूँ इसके बारे में आपको। देखो अनुच्छेद आप भेजने के लिए अनुच्छेद 163, ठीक है, अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की कार्य की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है, और जिसका नेता या जिसका प्रधान सीएम होगा, यानी आर्टिकल 163 के तहत, ठीक है, मंत्री परिषद का गठन दिया गया है और जिसका नेता होता है सीएम, ठीक है। आर्टिकल 163 इस बात को कहता है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय राज्य किसी भी राज्य की विधानसभा में मंत्री परिषद का गठन दिया गया है, तो आर्टिकल 163, ठीक है। आगे चलते हैं आर्टिकल 164 की तरफ, ठीक है। आर्टिकल 164 क्या कहता है, आर्टिकल 164 कहता है 164 अनुच्छेद 164 कहता है कि सीएम यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल करता है एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम के कहने पर राज्यपाल करता है। एक बार फिर से बता दूं मैं, देखो आर्टिकल 164 यह कहता है कि किसी भी राज्य में उस राज्य के सीएम कुछ नियुक्त करेगा, वह राज्यपाल करेगा, और अन्य जो मंत्री होंगे उन्हें भी राज्यपाल करेगा, बशर्ते किससे पूछकर करेगा, ठीक है, जब उसको सीएम सलाह दे देगा। क्लियर है भी, उम्मीद करता हूँ बात आई होगी समझ में, ठीक है भी। तो इतना आप याद रखना कि
जो राज्य का सीएम होता है उसे राज्य का राज्यपाल नियुक्त है और अन्य मंत्रियों को भी राज्यपाल नियुक्त करता है, बशर्ते उनके लिए सलाह कौन देता है, उनके लिए सलाह देता है सीएम। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ठीक है, मंत्री परिषद विधानसभा, मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका मतलब समझना, जो मंत्री परिषद होती है वह विधानसभा के ऊपर डिपेंड होती है। जब तक मंत्री परिषद को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है या विश्वास प्राप्त है तब तक बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद यदि वह अपना विश्वास खो देती है तो वह मंत्री परिषद आप ये मान के चलो कि चलन में नहीं होगी और उसका विघटन कर दिया जाएगा। क्लियर है, अभी इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये थे मंत्री परिषद के बारे में, ठीक है, और इसके बारे में। अब एक बात मुझे छोटी सी बताइए, देखो सीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है? तो सीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो याद रखना आप 25 वर्ष होनी चाहिए अभी, ठीक है, 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, तो इस प्रकार ही इनके लिए भी 25 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर है? ये दो आर्टिकल मैंने आपको कराए हैं, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164। एक फिर बार बता दूं, आर्टिकल 163 में क्या है, आर्टिकल 163 कहता है कि मंत्री और मंत्री परिषद, और आर्टिकल 164 कहता है कि सीएम और सीएम के मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। क्लियर है? अभी आगे चलते हैं, अभी अब बात करते हैं विधानसभा के बारे में, ठीक है? अब बात करते हैं जी विधान सभा, हेडिंग लगा लीजिए विधानसभा। देखो किसी भी राज्य का जो विधानमंडल होता है वह 3 लोगों से मिलकर बनता है, ठीक है? एक तो विधान मंडल होता है, एक विधान परिषद होती है, एक राष्ट्र राज्य का राज्यपाल होता है। देखो आज मैं आपको एक बात बताऊं, तो मैं आज जो डिस्कस करूंगा आपसे विधानमंडल करूंगा, ना कि विधान परिषद। विधान परिषद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, आज विधानमंडल करूंगा। तो आप इतना याद रखें, आर्टिकल याद रखें, विधानमंडल में कितनी सीट्स हैं वो याद रखें, ठीक है, और जो मेजर मेजर पॉइंट है आप वो याद रखें, ज्यादा याद करने की आपको कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है? विधानसभा, तो भी अब आप लिखिए, देखो राज्य में जो विधानसभा होता है वह निचला सदन होता है, ठीक है? राज्य में जो विधानसभा होता है उसे निचला सदन भी कहते हैं, निचला सदन भी कहते हैं। राज्य में जो विधानसभा होता है, ठीक है, उसे निचला सदन भी बोला जाता है, यानी विधानमंडल का निचला सदन बोला जाता है, जिसमें हमारे द्वारा चुने हुए लोग बैठते हैं, जिसमें हमारे द्वारा चुने हुए लोग जाते हैं, हमारे द्वारा चुने हुए लोग जाते हैं। अभी देखो जैसे ये था, अभी आपने उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, अब हमने वोट दी होगी तभी तो योगी जी जीते होंगे, वो पार्टी के, तो भी वोट तो हमने ही देना उस पार्टी को, तो हमारे द्वारा लोग गए चुनकर, ठीक है, उन्होंने इनको बहुमत दल का नेता चुन लिया और वो सीएम बन गए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आर्टिकल लिखिए आप, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170 लिख लीजिए। अनुच्छेद 170 कहता है, अनुच्छेद 170 कहता है कि, ठीक है, कि राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 होगी, अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 होगी और मिनिमम 60 होगी, और मिनिमम 60 होगी। एक बार फिर से बता दूं, आर्टिकल 170 में विधानसभा की संरचना है और यह कहता है कि विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं, 500, और कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, 60, कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, 60। लेकिन अपवाद लगा लो आप इधर, ठीक है, लेकिन ऐसे लिख लेना, लेकिन सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आपका गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा को कुछ छूट प्राप्त है, को छूट प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा,
ठीक है, और इन राज्यों में, ठीक है, 60 से नीचे भी हो सकती है, और इन राज्यों में जो सीट है वो मैं बता दूं, ठीक है, जो न्यूनतम है वह है 30 है, इन राज्यों में न्यूनतम 30 है, ठीक है। तो वैसे न्यूनतम कितनी होगी, वैसे न्यूनतम होगी 60, लेकिन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए न्यूनतम कितनी है, 30, गोवा के लिए न्यूनतम कितनी है, 30, और मिजोरम के लिए यह है जो है वह है 40, मिजोरम के लिए यह है 40 है, ठीक है। एक बार फिर से बता, देखो किसी भी राज्य की विधानसभा कि जो मैक्सिमम सीट्स होंगी वह 500 होगी, मिनिमम जो होंगी वह 60 होंगी, लेकिन सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश में जो मिनिमम सीट है वो 30 होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए इन्हें छूट प्राप्त है। यह ऐसा अनुच्छेद 371 के तहत ऐसा बोला गया है, 371 के तहत ऐसा बोला गया है। क्लियर है अभी? अच्छा जी, आगे चलते हैं अभी, ठीक है। लिख लो, विधानसभा में राज्यपाल, विधानसभा में राज्यपाल एक सदस्य नियुक्त, एक सदस्य नॉमिनेट, ठीक है जी, एक सदस्य नॉमिनेट करता है, एक सदस्य नॉमिनेट करता है, यानी मनोनीत करता है, मनोनीत करता है, एक सदस्य मनोनीत करता है, ठीक है। याद रखना, राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में कितने व्यक्ति नियुक्त करे जाते हैं, एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति नियुक्त करे जाते हैं, इतना आप याद रखना अभी, एक व्यक्ति नियुक्त करा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अगला पॉइंट, विधानसभा, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, उन 500 लोगों का कार्यकाल, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इसका विघटन भी हो सकता है, और विघटन करता है राज्यपाल, विघटन करता है, ठीक है जी, राज्यपाल, इतना आप याद रखना, विघटन कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो वैसे तो विधानसभा का कार्यकाल बस सीएम तो 5 वर्ष के लिए बने के रहे ना, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। अब विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है जी। तो देखो, पहली योग्यता तो आपको पता हो कि वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 25 वर्ष हो, इतना याद रखो बस, बाकी तो देखो किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, ये तो सब ऐसी बात है, ये तो होनी भी नहीं चाहिए, अब इतना याद रखना, ठीक है। विधानसभा के बारे में क्या क्या देखा भैया, कुछ भी नहीं है। विधानसभा कौन से अनुच्छेद में है, 170 अनुच्छेद में है, ठीक है जी। विधानसभा में मैक्सिमम सीट कितनी होनी चाहिए, विधानसभा में मैक्सिमम सीट 500 होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए, लेकिन यार कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें तो नहीं है, हाँ जी बिल्कुल है, गोवा है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है, इनके लिए कुछ छूट दी गई है, इनमें मिनिमम 30 भी हैं और 40 भी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, अब विधानसभा क्या कार्य करती है, भैया विधानसभा कार्य कानून बना कर रहे हैं, जैसे संसद कानून बना कर रहे हैं ऐसी विधानसभा कानून बना कर रहे हैं, ठीक है, इतना आप याद रखना भी, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है, लिखो, विधानसभा, विधानसभा का अध्यक्ष, तो लिख लो, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा अपने सदस्यों में से ही चुनती है, विधानसभा अपने सदस्यों में ही चुन लेती है, अपने सदस्यों में ही चुन लेती है, ठीक है भाई। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वह विधानसभा के सदस्य के द्वारा ही कर लिया जाता है, वह कर लिया जाता है, इतना आप याद रखना, कभी पूछा जाए कि विधानसभा का सदस्य का चुनाव कैसे होता है, तो वही सदस्य चुन लेते हैं जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, क्लियर है अभी, इतना पॉइंट आप याद रखना, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, देखो अब विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, विधानसभा के अध्यक्ष की पावर की बात करें, तो देखो विधानसभा का अध्यक्ष ही, आपने देखा होगा कभी संसद में, छोटी सी विधानमंडल में, तो बोलने के लिए जब खड़े होते हैं कि सर मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, कोई भी सांसद या एमएलए खड़े हो तो पहले अध्यक्ष से अनुमति लेता है, और अध्यक्ष के अनुरूप ही वह अपनी बात
कह पाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि विधानसभा अध्यक्ष का क्या कार्य होता है। विधानसभा अध्यक्ष बैठकें कराता है, ठीक है, उनके लेख सुनता है और आपका जो भी है मनी बिल्स है उनको बताता है, ठीक है, जो भी बिल वगैरह है उनके बारे में डिस्कस करता है, जो एज ए स्पीकर होता है अध्यक्ष। अच्छा, एक पॉइंट बनता है कि यह विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वह विधानसभा अध्यक्ष जो होता है क्या वह वोट दे सकता है। तो भी याद रखना एक पॉइंट की विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा वह निर्णायक मत देता देगा केवल। मतलब इसका यह है कि सपोज करो कि विधानसभा के चुनाव हुए या फिर विधानसभा में किसी बात पर किसी प्रस्ताव को लेकर वोटिंग हुई और इधर से भी 50 आई, इधर से पक्ष भी 50 विपक्ष भी 50, यानी 50-50 वोटिंग। अब देखो सीधी सी बात है, अब यहाँ फैसला तो होना नहीं, तो एक वोट चाहे तो अब जो निर्णय के लिए डिसीजन मेकिंग वोट होगी ना उसको अध्यक्ष डाल सकता है। तो विधानसभा अध्यक्ष वैसे तो मतदान देता नहीं है लेकिन केवल और केवल निर्णायक मतदान देता है, निर्णायक मतदान देता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वोट लिख लीजिए, विधानसभा राष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। चलो जी, अब एक पॉइंट जो जरूरी है जो आपको सुनना पड़ेगा, देखो किसी भी राज्य में सीएम की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन दिल्ली और पंडुचेरी एक बार फिर से बता दूं, ये दोनों कैसे राज्य हैं, ये दोनों केंद्र शासित राज्य हैं। तो याद रखना दिल्ली और इसको लिख लो दिल्ली और पंडुचेरी का जो सीएम होता है ना उसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 239 के तहत। अनुच्छेद 239 के तहत, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी ये, ठीक है। देखो वैसे तो राज्यपाल जो वैसे तो सीएम की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है लेकिन जो दिल्ली और पंडुचेरी के जो सीएम है ना उनकी जो नियुक्ति करता है उन्हें राष्ट्रपति करता है क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और अब आज बताओ भाई इस पर दिल्ली का सीएम कौन है, केजरीवाल, उसकी नियुक्ति किसने की होगी, वहां तो अनिल बैजल उपराज्यपाल, उसकी नियुक्ति जो की होगी उसकी नियुक्ति की होगी राष्ट्रपति ने, ठीक है। और पंडुचेरी के सीएम कौन है, मैं बता दूं भाई वी नारायण स्वामी, कौन है वी नारायण स्वामी, तो इनकी नियुक्ति किसने की होगी, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ने की होगी, ठीक है जी। पंडुचेरी, अच्छा दिल्ली और पंडुचेरी से याद आया कुछ, दिल्ली का संविधान संशोधन 69वां 70वां मैंने कराए थे ना, और पंडुचेरी का 14वां संशोधन, ठीक है, पंडुचेरी का 14वां संविधान संशोधन, क्योंकि मैंने बोला 14वां संविधान संशोधन के तहत पंडुचेरी को आपस में मिला दिया गया था, ठीक है, पिछली क्लास देख लिए, रिवाइज करते रहिए चीजों को, ठीक है भाई। तो ये जो भी क्वेश्चंस यहाँ से पुट अप हो सकते हैं, ठीक है, विधानमंडल और वो भी केवल सिर्फ उसके, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ चीज़ों को, ठीक है। देखो सीएम राज्य में जो विधानसभा में जो नेता होता है, ठीक है जी, जिसके विधानसभा सदस्य बोल देंगे भैया इसको सीएम बनाना है, वो सीएम बन जाएगा, उसका नियुक्त कौन करेगा, उसको नियुक्त करेगा राज्यपाल, आर्टिकल कौन से में, आर्टिकल 164 में, ठीक है जी। एक बार फिर से आर्टिकल 163 क्या कहता है, आर्टिकल 163 कहता है कि राज्य में, ठीक है, जो मंत्री परिषद होगी उसका नेता सीएम होगा, उसका नेता सीएम होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आर्टिकल 164 क्या कहता है, आर्टिकल 164 कहता है कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है बशर्ते वह सलाह लेता है सीएम से। तो अब मुझे बताइए कि आप सीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, किसी भी राज्य के सीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और विधानसभा एक निचल सदन होता है, ठीक है। अब विधानसभा की बात करें तो विधानसभा कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है भैया, विधानसभा की संरचना 170 अनुच्छेद में है। विधानसभा में मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 60 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन चार राज्य ऐसे जिन्हें छूट दी गई हैं, ठीक है, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश गोवा, ठीक है जी, इनमें 30 और 40 है,
बिल्कुल भी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे कि बताइए विधानसभा में राज्यपाल कितने लोग मनोनीत करता है, तो मनोनीत एक एंग्लो इंडियन, आपने सुना होगा, एक एंग्लो ही मनोनीत करता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बशर्ते यदि राज्यपाल चाहे तो विधानसभा को टाइम से पहले भी विघटित किया जा सकता है। ठीक है, वो ऊपर होता है, गवर्नमेंट तब तक चलती है, जैसे गवर्नमेंट का मैक्सिमम कार्यकाल होता है 5 साल तक। ठीक है, बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष की, तो विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वह उन्हीं वो आपस में ही चुनाव कर लेते हैं और एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बना देते हैं। क्लियर है जी। अब एक बात आती है, जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वह वोटिंग कब करता है, वह वोटिंग जब करता है जब जरूरत पड़े निर्णायक मत की, जब जरूरत पड़े निर्णायक मत की। ठीक है, क्या विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है? जी बिल्कुल, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। अच्छा जी, ऐसे दो राज्य बताइए जिनके सीएम की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है, एक तो दिल्ली और एक पंदुचेरी, ऐसे दो सीएम हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है जबकि राष्ट्रपति करता है, तो आर्टिकल 239 के तहत। मैंने बोला आपको दिल्ली के राज्यपाल कौन हैं, अनिल बैजल हैं, और दिल्ली के सॉरी उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, और दिल्ली के जो सीएम है वो केजरीवाल हैं। बात करते हैं पंदुचेरी की, पंदुचेरी की जो सीएम है वो वी नारायण स्वामी हैं, और पंदुचेरी की जो उपराज्यपाल हैं वो आपकी किरण बेदी हैं, वो आपकी किरण बेदी हैं। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं अभी, मंत्री परिषद। भैया मंत्री परिषद, जी हाँ, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अब एक बात बताइए, देखो सीएम बन गया तो मंत्री परिषद के बारे में एक पॉइंट लिख लीजिए कि मंत्री परिषद में, ठीक है, विधानसभा के सदस्यों, मंत्री परिषद में विधानसभा के सदस्यों के 15% से ज़्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए, 15% से ज़्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन 12 सदस्य से कम भी नहीं होनी चाहिए, 12 सदस्य से कम भी नहीं होनी चाहिए। मतलब मंत्री परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग आ सकते हैं, मंत्री परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा इतने लोग आ सकते हैं जितने विधानसभा के सदस्यों का 15% हो, और कम से कम 12 लोग होने ही चाहिए। ऐसा कौन से संविधान संशोधन के तहत बोला गया है? तो ऐसा मेरे भाई, ऐसा जो बोला गया है वह 91वां संविधान संशोधन, लिख लीजिए 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 इस बात को कहता है कि मंत्री परिषद में जो लोग होंगे वह कुल विधानसभा की सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होंगे, लेकिन कम से कम 12 से भी नीचे नहीं होंगे, 12 से भी नीचे नहीं होंगे। तो जो मेन मेन जो यहाँ से पॉइंट बनते थे भी, जो बनने वाले थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो छोटी क्लास, मेन मेन बातें हमने डिस्कस की, ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, जो मेन मेन पॉइंट है वो डिसमेजर पॉइंट डिस्कस करें, ताकि ज़्यादा फिर खिचड़ी पक जाएगी। इतनी छोटी सी बात थी सीएम के बारे में, कल आपसे बात करूँगा मैं विधान परिषद के बारे में। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है विधान परिषद, कल मैं आपसे बात करूँगा विधान परिषद के बारे में। तो तब तक वीडियो को देखते रहिए, इन्जॉय करते रहिए, और भी अपनी जीके को इम्प्रूव करते रहिए। देखो मैं बता दूँ, दिल्ली पुलिस कोई भी एग्ज़ाम है, अब आने वाले एग्ज़ाम आप ये मान लीजिए मैथ रीजनिंग सब ने अपने अच्छे कर रखे, बशर्ते जीएस, मैंने जिसकी जीएस अच्छी है सिलेक्शन वो ही लेगा, और जीके तो भी ऐसे डिस्कस करने से ही बनेगी। ठीक है, रटने से कुछ नहीं होगा, चीज़ों को आराम से पढ़ो, समझो आर्टिकल, एक एक आर्टिकल को पढ़ो, वो आर्टिकल क्या कहता है, उसके बाद चीज़ों को क्लियर रूप से करते चलो। ठीक है तो दोस्तों, तो मिलते हैं फिर आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।